الحمد لله الذي خلق وخلق وصور وقدر الذي نزل وأنزل على عبده القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان شهادة الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك ونور وصل وسلم وأنعم على محمد على نبيك محمد ورسولك محمد وحبيك محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ ذل جلال والاکرام دی مہربانی اور اللہ دی ہی تائید اور توفیق نال اللہ دے اس گھر دے اندر اور تساں بزرگاں دی دوستاں بھائیاں دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اس جگہ تے بڑے لمبے عرصے تو بعد یہ موقع نصیب ہویا ہے غالباً 20 سال تو زیادہ عرصہ
मैं एक दफा पहले इत्थे आया हूं, जिसले चाची होरी जींदे हन, चाचा हाजी मूसा अल्लाह दी अंतरम तों जींदा बंदा होवे तां कदी ना कदी अखी चार हो जांदी है। दुआ नीयत भी होनी चाहिए, इरादा भी रखो कि साडा ये बाणा अल्लाह कबूल कर ले, साडा सुनना सुनावना साडे वास्ते बाए से मगफिरत बन। इंसान दी दुनिया ते तशरीफ आवरी तो बाद इंसान दी हिदायत दा भी अल्लाह ने सिलसिला शुरू फरमाया। इब्तदा को पहले इस कायनात के अंदर सिर्फ अमन मौजूद है, क्योंकि फितरत दा नेचर दा मजहब अमन। वेख लो जदा दा अल्लाह ने इस दुनिया नु बनाया है, सूरज चंद तारे मौसम सही सही अपने अपने वेले ते आंदे वेंदे, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई रोला नहीं, क्योंकि कायनात दा मजहब अमन है, टकराव नहीं। जेड़ी शय तुसा गड्डो उही जमदी, इंज नहीं भी खजी गड्डो ते अंब जमे। बारह घंटे दिन ने गुजार ले होन, अगो रात आवण वाली होवे ते दिन ना के भई मैनू बारह घंटे दी एक शिफ्ट होर लावण दे, तू कल आ जावे, ऐसा कोई तदाद इस कायनात च नहीं, क्योंकि कायनात दा मजहब अमन है, जेड़ी अल्लाह ने नेचर बनाई फितरत। कायनात फितरती तौर पे मुतहर्रिक होवण दे बावजूद पुरसकून है, हरकत भी कर रही है, लेकिन उते टकराओ भी कोई नहीं। टकराओ पैदा होया इंसाना दे जरिए, और उसले पैदा होया जेड़े वेले अल्लाह ने इंसाना वास्ते हिदायत दा निजाम नाजिल करना शुरू किया। दो थड़े हो गए, फख्तलफू इख्तलाफ मचाया, अल्लाह ने रसूल भेजे अपनी किताबा नाजिल फरमाइया कि मेरी मंशा ये है, ये नहीं, लिहाजा मेरी ही मर्जी और मेरी मंशा ते सारे इत्तेफाक कर लो, टकराव पैदा ना करो। धड़े और फिरके उस वेले भी बन गया, और हर फिरका अपने आप इधर कोई होर जल सत नहीं पे होंगे, इधर ही गल्ला शल होंगी पे मोबाइल कटी बैठा, हर धड़ा अपने आप नु
दोस्त समझदा है। सिर्फ इतना रहे ना अपने आप नु उधरों समझना, चलो फिर भी ठीक है, गवारा है। वो सिर्फ ये नहीं कि अपने आप नु दुरुस्त समझदा है बल्कि दूसरे नु गलत भी आता है, फिर टकराव पैदा होता है। अल्लाह ने इस टकराव नु खत्म करने वास्ते ही तो अंबियाए किराम नु मबूस फरमाया। ओ आखे के मेरे बजुर्ग की किताब ते इत्तेफाक करो, ओ आखे नहीं साडे बजुर्ग की किताब ते इत्तेफाक करो, ई कौन करदा है? हर कहंदी अपनी मर्जी। हां अगर ए आख्या जाए के सारे आओ अल्लाह दी किताब ते इत्तेफाक करो, यकीनन इत्तेफाक दी ए दावत दुरुस्त है। उदी वजह ए कि इंसानां दी लिखी होईयां किताबां विच गलतियां होंदियां, भुलेखे भी होंदे। अगर इंसान जो भुलण वाला है, यदि कलाम विच खता है उदी तहरीर विच ही खता है, जेड़ा बोलने च भुलदा है लिखने च ही तो भुल सकदा है। बाज औकात भुल होंदी है, बाज खता होंदी है, ते बाज जिद ते इनाद भी होंदी है लिखण वाले दे ज़हन च। बाज ए होंदा है कि मैं अगले नु गलत साबित करना है, भावे झूठ बोला ते भावे सच, मगर जेड़ी अल्लाह दी किताब होंदी उस दे विच गलती भुलेखा जान ते किसे दे उत्ते तनकीद करना, खामखा किसे दी रियायत करना, जिद इनाद ते अदावत नाल मसले करने, ए अल्लाह दी कलाम विच इस वास्ते कोई नहीं क्योंकि अल्लाह दी जात विच ए ऐब कोई नहीं। जेदी अपनी जात ऐबा कोलो मुबर्र है ओदी बात भी ऐबा कोलो मुबर्र है। ए दावत ठीक है इत्तेफाक दी के आओ अल्लाह दी किताब तो इत्तेफाक, क्योंकि ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना भूलदा है ना भटकदा है। कायनात का छोटे बोल लाए के वड्डा इंसान भी भूल वेंदा है, भूल वेंदा है, अग्गे भूल वेंदिया हन तां हुण ही भूल सकदे ने। ये अग्गे अले मौलवी भूल सकदे हन तां अज 15वीं सदी अले ही भूल सकदे ने। ये अग्गे अलियां किताबां दे विच गलतियां हन और हन यकीनन हन, तां अज अले मौलवी दी किताबां च हन। इमाम शाफी रहे मौला ने बड़ा खूबसूरत जुमला बयान फरमाया के अब अल्लाह इल्ला अयतिम किताबहु, अल्लाह ने अपनी किताब तो अलावा कोई दूसरी किताब आप जान बुझ के मुकम्मल सही रहनी नहीं दीती। हर मुसन्निफ को गलती कराई है ताकि ओदी किताब दा मौजज़ा बरकरार रहे कि अगर ला रैब किताब है कायनात तो सिर्फ अल्लाह की किताब है। जिदे बारे अल्लाह दा दावा है कि इद विच शक तां बहुत वड्डा होंदा है, फरमाया रैब ही कोई नहीं। रैब होंदा है बिल्कुल नुक्ते जितना जेड़ा खटके, सिर्फ खटके। दा मा युरीबो का इला मा ला युरीबो का शक वड्डा होंदा है। शक भी अरबी ज़बान दा लफ्ज़ है, इन कुन तुम फी शक के मिंदी। रैब छोटा जिहा होंदा है। अल्लाह दे ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, इद विच नुक्ते जितना भी खदशा खटका कोई ऐब इस मेरी किताब विच मौजूद नहीं। फिर के आज दा भी हर तबका इसनु सही मनदा है,
और इसनु अपनी मजहबी किताब भी आता है, बल्कि सिर्फ मजहबी किताब नहीं आता, इसनु सिर ते रख के कसमा भी चाहता है। हालांकि नहीं चावनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग कूड़ियां कसमा चावनी हो तो कुरान दिए जाए। पहला रसूल कायनात दा जिले अल्लाह ने रिसालत दा काम शुरू करवाया, पहला नबी तो आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन वो सिर्फ आपने ही तक महदूद, आपने बेटे तक महदूद, कोई कोई नहीं। फिर बस मन हुमा रिजालन कसीरम व निसा फिल फैले इंसान। फिर अल्लाह ने बाकायदा रसूल भेजे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह दी आयात दी तबलीग फरमाई। अल्लाह ने गल दसी है कुरान में कि हुवल कादिरु अला अन यबअथ अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहत अर्जुलिकुम औ यलबिसकुम शैयअन फयुज़ीका बाज़कुम बासा बाज़न उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयात लअल्लहुम यफ़क़हून। फरमाया दुनिया के अंदर वल रसूलों के आवण तो बाद दुनिया के अंदर साढ़े अजाब भी आवण लग गए। रसूल अल्लाह की रहमत होंदा, रहमत का पैगाम लेके आंदा, वल जेड़ा जान बुझ के ही रहमत नूं तस्लीम न करे उहदे वास्ते सजा भी होंदी। फरमाया तीन किस्म के अजाब, पहला किस्म जेड़ा अजाब द है वह फरमाया मिन फौकिकुम उत्तों आसमान तो, आसमान तो आने वाले अजाब दियां कई शक्लां हो सकती हैं, बेमौसमी बारिशां, औले दाने, चंद्रा गड़ा आवे, बिजली कड़के ते साड़ दे, पत्थर बरसाए जावे, तूफान ते आंधियां ले आईयां जावे, इन भी अंदर है। औ मिन तहत अर्जुलिकुम या तुहाडे पैरां दे तलों अजाब मैं उठावां, जलजला पैदा करां, जमीन फट जाए ते तुहानू दसा दिता जाए, तुहाडियां फसलां दे विच, तुहाडे घरां दे विच मैं बीमारियां पैदा कर देवां, ये भी अल्लाह दा अजाब है। त्रिया अजाब जेड़ा इन्ना दोहां अजाबां नालों ज्यादा सख्त है, ओ यलबिसकुम शैयअन या मैं तुहानू कर देवां टोटे टोटे, फयुज़ीका बादकुम बासा बादिन फिर तुसा खुद एक दूसरे नु नुकसान पहुंचा। ये आसमान वाले अजाब नालों वड्डा उम्मत तो मौजूद हो, मुसलमानों की कसीर तादाद भी मौजूद हो, लेकिन उन्होंने आपस में इत्तेफाक ना हो, बल्कि एक दूए की लत्तां छिकण वाले हो, एक दूए को नुकसान पहुंचाने। आज तुसा खुद सोच सकते हो कि इस वक्त इस उम्मत उत्ते केड़ा अजाब आया हुआ है, इस उम्मत ते केड़ा अजाब आया हुआ है। असल काम तो जड़ाई उच पानी सादा रखना है, गिलास रख। फरमाया औ यलबिसकुम शैयअन तनु मैं लड़ा के टुकड़े टुकड़े कर देवा, टोटे टोटे शैयअन टोटे टोटे। आज मुसलमान टुकड़े टुकड़े हैं या नहीं, ये अल्लाह दा अजाब है।
एक दूसरे नु नुकसान पहुंचावना, खुद मुसलमान एक दूसरे नु नुकसान पहुंचावन, ये अल्लाह दी रहमत नहीं, ये अल्लाह दा अज़ाब है। ये मुसीबत से बीमारी जिस वेले किसी कौम दे अंदर पैदा होंदी, फिर वो बाहर आले दुश्मना कोलो खुद कफील हो जांदी, उसनू बाहर दे किसी दुश्मन दी जरूरत नहीं रहंदी, वो अपनियां जड़ां खोखलियां करन वास्ते खुद काफी। असूल तो यह होना चाहिए कि जिस वेले कोई इख्तलाफ और झगड़ा पैदा होए उसनू उस किताब नाल हल करो जिस किताब च कोई इख्तलाफ नहीं। अल्लाह ने किताबा नाजिल इसे वजह तो की थी कि लोगों के झगड़े मिटाए बने, लियहकुमा बैनन्नास फी मख्तलफू फीह, ताके लोगों के दरमियान इख्तलाफात दा हल किया जाए, इख्तलाफ पैदा ना किते वंजे, इख्तलाफ मिटाए वंजे अल्लाह दी किताब दे जरिए, क्योंकि अल्लाह दी किताब इख्तलाफ पैदा नहीं करदी, इख्तलाफ मिटेंदी, अलबत्ता लोग कुरान नाल इख्तलाफ कर लेंदे ने, वदड़ा बन वेंदा है, ये कुरान नाल इत्तेफाक होंदा वे सी जमात बनदी वे सी, ये कुरान नाल इख्तलाफ होंदा वे सी ते धड़ा बनदा वे सी, फिरका उन नहीं अखींदा जेड़ा अल्लाह दी किताब ते इत्तेफाक करे, फिरका ते धड़ा उन अखींदा है जेड़ा किताब अल्लाह दी मुखालफत करे। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह दी आयात और अल्लाह दी किताब ही पेश फरमाई, पहले रसूल, जगह मेरे ख्याल थोड़ी तो बनाई है, अल्लाह अकबर, नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया है, जिले अखीदा ना तशरीफ लाया है, अल्लाह ने भेजा, लोग समझे ना शायद आसमान तो भेजा, ये अरबी दा लफ्ज़ है अरसलना, इहदा मतलब होंदा हमने उन्हें रिसालत दे दी, उर्दू च दमाना कहिंदा हमने भेजा, लोग समझे ने पता नहीं कहीं होर इलाके जो भेजे, उस इलाके च जदा जेड़ा ही कोई नबी होए अपने इलाके अपनी कौम उहा बिरादरी, अलबत्ता कौम दा सब तो आला अज़का और सुथरा तरीन इंसान जिसनों अल्लाह रिसालत वास्ते मुंतखब फरमाया, इस ओ पहली कौम में नूह अलैहिस्सलाम दी जिसते अल्लाह दा अज़ाब आया। और उदी वजह क्या है, सिर्फ अल्लाह दी आयात दा इनकार करना, कदी उस कौम से अल्लाह ने अजाब नहीं भेजे, जिस कौम ने अल्लाह दी आयात नो मान लिया, भावे आखिरी लम्हे दे अंदर ही मान लिया, अल्लाह दी आयात दा इनकार करन नाल ही हमेशा अल्लाह दे अजाब आंदन, या आसमान तू या जमीन तू या फिर अल्लाह टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने तकसीम करके कमजोर कर देता है, क्योंकि ये हुण अल्लाह दे काम दे काबिल कोई नहीं रह गए, लिहाजा हुण इन्हां नूं कट्ठा रहण देवण दी जरूरत ही कोई नहीं, कोशिशां भी होंदियां, कोशिशां करण वाले करदे कि यार किवें इत्तेफाक हो जाए, मगर पता नहीं क्यों नहीं होंदा, खुद अल्लाह नहीं चाहता, क्योंकि नीतां फैड़ियां होंदियां,
ਜਦਾਂ ਨੀਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲੈਸਤ ਨਸਾਰਾ ਅਲਾ ਸ਼ੈ ਇਹ ਈਸਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦੀਨ ਨੇ। ਵਕਾਲਤ ਨਸਾਰਾ ਲੈਸਤ ਯਹੂਦ ਕਾਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਲਸ ਤੁਮ ਅਲਾ ਸ਼ੈਨ ਤੁਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਦੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦੀਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਤਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਰੋਹਬਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਆਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕਾ ਹੀ ਸਨ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦਾਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਲ ਕਹਿ ਕਰੀਏ ਧੜੇ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਤਫਾਕ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਖਲਾਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ। وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਆਈ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇਸ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ। وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام دی گل سناؤ۔ جڑ ویلے اذ قال لقومہ جڑ ویلے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو آکھیا یا قوم او میری قوم او برادری ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ او میری قوم مگر تانو میرا کھڑا ہونا تے میرا آواز کرنا ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ? ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਮੀ ਵ ਤਜ਼ਕੀਰੀ ਬਿਆਯਾਤ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਵਾਜ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਅਲ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਤੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੱਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਕੋਈ
فعل اللہ भरोसा कर ले कर लो अमरा कुम शुरा तुसा जेड़ा कुछ मशुरा करना है मेरे खिलाफ कर लो अपने शरीक भी नाल बुला लो जेड़ा कुछ करना है जेड़ा मशुरा करना है जड़िया तजवीजा करनिया है वल इहो जिहा मशुरा करया है जड़े वेले मेरे खिलाफ तुसा मशवरा करना है उस वेले खुले दिल नाल करया है अपने छोटिया वड्डिया नूं ही नाल बुला लव्या है ते उस मशवरे दी हर तफसील उत्ते गौर कर लव्या है सुम्मला जेड़ा फैसला करना है ओदी हर जुज़ी ते तफसील नाल बहस कर लव्या है किदाई कोई खामी न रह वञे तुहाडे प्रोग्राम च जिहड़े वेले पक्का कोई मनसूबा मेरे खिलाफ बना लव्या है सुम्मा कुज़ू इलैया वल मेरे बारे ओ फैसले उत्ते अमल भी कर लव्या है वला तुनज़रूना मैनू मुहलत न पै दिव्या है मैं तुहाडे आसरे ते कोई नहीं तबलीग करेंदा रहंदा मैनू जहे रसूल बनाया है जहे आयात दितिया है जहे तबलीग दा मुबल्लिग बनाया है जहे अपनी किताब दा मुहाफिज बनाया है मैं जड़ी अल्लाह दी तौहीद बयान कर रहा मैं तुहाडे आसरे नाल नहीं कर रहा तुहाडियां उम्मीदां नाल नहीं कर रहा तुहाडियां तनखाहां दे लालच नाल नहीं कर रहा तुहाडे कोलों ओहदे या बराता लैण दी तमन्ना नाल नहीं कर रहा फअल अल्लाह तवक्कल तो मैं भरोसा अल्लाह दी जात ते कर लिया ले ओ मुशरिक हो जेड़ा कुछ होंदा ले कर लो ये कोई झगड़े वाली गल है कि मैं नहीं कीती ये पहले रसूल कीती है पहला रसूल ते अल्लाह सानू उन्हां दी तबलीग पे सुनाईंदा है चस्के वास्ते नहीं नसीहत वास्ते भाई तुसाई इंजे करना ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਵਲੇ ਤੇ ਵਤ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਤ ਡਰਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਅਸਾਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਮਾਵਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਈਫਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਛੱਟੇ ਪਏ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਣਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਣਾ ਇਨਾ ਰਸੱਲਾ ਨੂਹਨ ਇਲਾ ਕੌਮੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਂ ਭੇਜਿਆ ਨੂਹ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਤੇ ਨਾ ਲਖਿਆ ਅਨ ਅਨਜ਼ਰ ਕੌਮ ਕਾ ਮਿਲ ਕਬਲ ਅਯਤਿਯਹੁਮ ਅਲਾਬੁਨ ਅਲੀ असा नूह अलैह सलाम नु आखिया अन अनज़िर कौमका डरा मेरा पैगंबर अपनी कौम नु डरा उस वेले आवन तो पहले पहले ए डर वंजन मिल कबूल गए अयत यहुम अज़ाब अली
वल अदाब या उत्तू आसी या तल्लू आसी ते या होर शकल वाला सी। अल्लाह फरमांदा है मेरा पाक पैगंबर जड़े वेले नूह अलैहि सलाम नू मैं ये ऐलान करन दा हुक्म दिता, ओ फौरन ऐलान करन लगे या आओ मेरी कौम मैं तुहानू खुला खुला डरावण वाला हाँ मैं कोई गल विच विचाले रखण वाला कोई नहीं जिहड़ी आयात अल्लाह ने मैनू अता फरमाईयां या दित्ती रखणियां मैं उन्ने सुनाई आवणा है लिहाजा मैं पिया अल्लाह कोलो माफी मंग लो यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्खिरकुम इला أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون लिहाजा माफी मंग लो अल्लाह कोलो माफी मंग लो गल मैं कड़ी करनी है ओ मेरी कौम पहली गल ने नुजरा तवज्जो नाल सुनया है या कौम में ओ फरमाया पूजा करो अल्लाह दी सजदे करो अल्लाह नो तवाफ करो ते अल्लाह दे घर दे नजरा न्याजा आलिया बंदगियां करनियां ता अल्लाह वास्ते ये अच्छे घटे आली कई इबादत माली करनी है ता अल्लाह वास्ते ये जुबान आली इबादत करनी है ते अल्लाह वास्ते ये ज्ञान आली इबादत करनी है ते अल्लाह वास्ते न सिर झुकावना है कहीं होर दे अगे न जुबान नाल कहीं दी सरो पुकार करनी है ते ना अपने माल दिया कुर्बानिया नाल मखलूक नू राजी करन दी कोशिश करनी है। यो सबक आया है सारिया कौम दे अंदर आया है वाले इस कौम दे अंदर भी आया है ते इस कौम दे अंदर इंज तरह वादे लफ्जा नाल आया है जो हर नमाज पढ़न वाला ऐलान पिया करें लाउंदा है अत्तहियातु लिल्लाह والصلوات والطيبات हर नमाजी प्या ऐलान करे लाउंदा है मेरिया जुबान दिया इबादत भी अल्लाह वास्ते सलावात मेरे बदन दिया इबादत भी अल्लाह वास्ते والطيبات ते मेरे माल दिया कुर्बानियां भी अल्लाह वास्ते। ये वो पहला सबक है जड़ा अखीर तक चले आंदा है ता अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया असा सारे नबी जड़े हैं ना असा अल्लाती भाई हैं। मौलवियों नूं पता हुंदा अल्लाती ते ऐनी ते अखियाफी फरमाया असा अल्लाती भाई हैं दीन ना वाहिद असा सारे नबियां दा दीन इक्को है। वो केड़ा है ला इलाहा बोलो शाबाश बाकी तरीके ते जुज़ियात ते शरीयत दी तफसीलात वखरियां वखरियां होसन मगर तौहीद दा ऐलान शर्क दी तरदीद ये सारे नबियां दा सांझा। सुभान अल्लाह के फरमाया अन इबदुल्लाह
सजदे करो ते अल्लाह नूं ये जड़े लात मनात ते उज्जा ते हो बोलते बाला बक्का ते ना दे वड़के वद सुआ यगोश योग ते नसर ये जितने भी इन्ने मखलूक का इन्ने ना दे विचो खालिक कोई नहीं जड़ा मखलूक होवे ओ हाजत रवा बन सकदा कोई नहीं क्योंकि ओदा अपना वजूद कहें दुए दे खालिक दे कहें दी होर दी कारीगरी दा मोहताज होंदा है इंदा वजूद अपना भी अपना नहीं बनाया होया कै होर दा बनाया होया ए ओ दोयां दे वजूद नु संभालण दीयां जिम्मेवारियां किवें लै सकदा है वेखो अकल नाल समझावण वालिया ने भी समझाया है हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने जिहड़े वेले तारा वेखे आई तारा बड़ा चमकदा पे आई कौम ने आखिया ए जनाब साडा भी रब ते तेरा भी रब फलम्मा अफला जिड़ वेले ओ तारा बुढ़ गया ही हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने के जवाब दिता ही फरमाया ना ओ हिब्बुल आफलीना जिड़े बुढ़ वेंदे ओ मेनू कदी हाजत रवा नहीं अकल नाल समझावणा दीन दे विच कल्ला इल्म नहीं अकल भी है इल्म होवे ना है शारक ते अकल होवे मन दी गुजारा हो वेंदा है ते जे इल्म मन होवे ते अकल छटाकी होवे ओ खोता आप ही गुमराह होंदा ते दोयां नूं करेंदा अकबर फरमा इंज नहीं फरमा इन्नी ला उही बुहान अल कौकबा ए जेड़ा तारा ले गया मैं तो इनु नहीं मुश्किल कुशा मनेंदा उना के इंज रोला गत्ती रखे ने ननु इक गल समझाई ए ले गया नहीं खलो सकया ना अपने पैरां ते अपनी रोशनी नहीं ना बरकरार रख सकया अपनी जिंदगी नहीं बरकरार रख सकया जेड़े अपने वजूद ते कंट्रोल ना रखदे होवे ओ कदी हाजत रवा नहीं ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਵੰਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਵੰਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾ ਕਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਅਕਲ ਆਲਿਆ ਵਾਸਤੇ नूह अलैहि सलाम पे तबलीग फरमा ले या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिल गैर समझांदे हैं समझांदे हैं समझांदे हैं बेलाखिर कौम नु आदे हैं जेड़ा कुछ हुंदा दे कर लो कौम जवाब देंदी कालू या नूह कद जादलतना व अक्सर तजदालना कद जा दल तना बड़ा लड़ लिया साडे नाल बंदे सियाने आपे कखी मार लैंदे होंदे हैं अगू जवाब सुनो या नो होलन नो मिन लगा वत्तबअकल अरजलोना असा तेरे उते ईमान नहीं ले आंदे क्योंकि तेरे उते आज थोड़ी जिने जाए ईमान ले आंदा है ओ सारे गरीब ते कमी गरीब लोग गरीब लोग आपे साडे चौधरियां विचों कोई आवे सारे गरीब लोग हमेशा रसूला नाल पहले पहले इत्तेफाक करण वाले गरीब लोग होंदे अमीरां नूं तां अपनी दौलत दी पई रहिंदी ना सोची रखना
गरीब वो तो अगे माशरे का पिछे होया तबका होता है उन्होंने तो जेल कोई तो सुना इक्के रब को डरना वो भज बबू ये तो बड़ी चंगी गल है सुभान अल्लाह आखन लगे लणो मिन लगा ओ तबा कल अर्ज लूणा उस वेले नूह अलैहि सलाम फरमाया मा अना बितारे दिल मोमिनीना जेड़े ईमान लाए आए भावे गरीब होवे ते भावे अमीर होवे भावे कोई मोची होवे भावे दिखाण होवे भावे लोहार होवे वमा इल्मी मैनू इन्ना चीजा नाल गर्ज कोई नहीं दिल दे राज ते जानण वाला लाए मैं जाहिर दा इन्ना दा दावा वेख्या है किन्ना मन लिया ला इलाह अल्लाह मेरे नजदीक को इज्जत वाले लोग हैं लिहाजा मैं कोई आवे ते भावे ना आवे तू सब पो मेरे कोलू ते भावे ना बाओ मैं इन्ना आए होया मोमना नो कदी भजावण वाला कोई आखन लगे अच्छा या नूह लम तंतहे अगर तू बाज ना आया इहो जियां तकरीरा कोलो अगर बाज ना आया इहो जियां वाजा खोलो लतकूनन मिनल मरजूमी वल तैनू पत्थर मार मार के संगसार कर दिसाए तेरी गल कदाई मनलन ते अमादा नहीं सारे रल के बह के कोई पक्का फैसला कर लो सुम्मा चंगा सोच विचार के मेरे खिलाफ कोई पक्का प्रोग्राम बनाया है इंज ना पिछे अफसोस करने सोचनी आई ते ना सोची नहीं नहीं पक्का प्रोग्राम बना के सुमकलू इलैया वला तुन जरून मैनू मोहलत ना दियो जेड़ा कुछ होंदा ने मेरा बिगाड़ अल्लाह हू अकबर अल्लाह दे पाक पैगंबर भी इंज ऐलान फरमाया जिन्ना जिन्ना नु अल्लाह तू इलावा सड मार रहे हो ओ बंदे हिन तोड़ी तरह ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਇਬਾਦੁਨ ਅਬਦੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਬਦੁਨ ਬੰਦਾ ਇਬਾਦੁਨ ਬੰਦੇ ਅਮਸਾਲੁਕੁਮ ਮਿਸਲੁਨ ਦੀ ਜਮਾ ਅਮਸਾਲ ਹੈ ਅਮਸਾਲੁਕੁਮ ਤੁਹਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ अल्लाह तो प्यादा हम सालों को जीवे तुसा हो नहीं जी ये बुतों के लिए बेवकूफ ये हेल जमाने दा अपने आप नु बुत बनाई कर अच्छा तो जे बुत ही है तो ये भी तो बुत है ना कुछ आदियो ना फलाने दा कद बुत बड़ा ऊंचा आदियो ना हर ओ शाय जेड़ी अल्लाह तो इलावा जी दी पूजा की थी जाए अरब वाले उस नु भी वसन आते हैं उस नु भी बुत आते हैं तो ये तो कुरान के प्यादा जरा तवज्जो कर ओ पहला रसूल है ये आखरी जिन्ना जिन्ना दी पूजा कर रहे हो ओ बंदे इन तोड़ी तरह फदूहुम आओ वल्लुना नु सड मारो फल यस्तजीबू लकुम वल चाहिदे जे सुन त जवाब ही देवे इन कुन तुम सादिकी
अगली गल आला हम अर्जुलों मशहूर बया उन्हां दे पैर इयो जे कोई नहीं जिन्हां दे नाल टुर सके अमला हम आईदी अब ते शोन बया इयो जे हाथ नहीं जे दे नाल पकड़ लवे अमला हम आयो नहीं युब सिरोन बया उन्हां दियां इयो जियां अखी नहीं जिन्हां दे नाल वेख लवे अमला हम आदा नहीं असमा सुन बया उन्हां दे इयो जे कन भी कोई नहीं जिन्हां दे नालो सुन लवे जिन्हां दे नालो सुन लवे जिन्हां दे नालो सुन लवे हुण अल्लाह फरमांदा है मेरे पाक पैगंबर इन्हां नूं आखो उदू शुरका को सुम्मा की दूने फला तुन वेरूल कट्ठे कर लो अपने जितने हाजत रवाए जितने मुश्किल कुशाए सुम्मा की दूने वल मेरे खिलाफ जेड़ा प्रोग्राम बनावना बना लो फला तुन वेरूल मैनू कोई ना मोहलत दो जेड़ा कुछ होंदा है कर लो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकदा ओदी वजह है इल्म वाली है अल्लाह इन्ना वली अल्लाह क्योंकि मेरा हिमायती कौन है ते हवाला पे दें दें ये कौन है मेरा हिमायती इन्ना वली अल्लाह मेरा वली अल्लाह ओ केड़ा अल्लाह अल्लाह ने नज़ल अल किताब इसे किताब दी वजह से पत्थर पे मार दे हो ता अल्लाह दा रसूल नाल हवाला देंदा है सुन लो मेरा वो रब ने जे मेरे ते किताब नाज़िल की थी सड़दे हो ता सड़दे रहो मैं किताब सुनाई रखनी है ए ता को किताब दा हवाला देता है क्योंकि पैगंबर दी मुखालफत होंदी किताब दी तबलीग आयात दी तबलीग नाल हिकायात दी तबलीग होंदी है रहन तो कोई भी पत्थर मारदा किससे कहानियां सुनाई रखो ते सारे ही खुश रहंदे हमेशा वत इख्तलाफ मचावण वाले उसले मचाइंदे जेड़े अल्लाह दी आयात सुनाई सुभान अल्लाह सुभान आओ हुन वापस नूह अलैहि सलाम पहला रसूल सुभान अल्लाह के फरमाया ए अल्लाह जेड़े कौम आख्या ना जेड़े कौम आख्या ना कद जादल तना व अक्सर तजिदाल ना तू साडे नाल बहु लड़या हालांकि ओ बहु लड़या ओ अल्लाह दी आयात सुनाए ए पत्थर मारे लो लो हाल कर देवे ते इतना के पत्थरां दे विच नबी नजर ही ना आवे व जिब्रील आण के पत्थर हटाए पैगंबर लो लो हाल हो जाए भाई साढ़े नौ सौ साल कोई थोड़ा वक्त नहीं होगा ये कोई साल दो या वी पंजी साल दी गल नहीं लाबे सफी एम अल्फ सनतिन इल्ला खमसीन आमा पंजाब घट पूरा हजार साल ये थोड़ी मुद्दत है समझा 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 के अगू हुण आखिर कौम के आखण लगे या नूह कद जादलतना व अकसर तजिदालना बड़ा लड़ लिया ईसा दे नाल बड़ा जिदाल कर ले बड़ा झगड़ा कर ले ईसा दे नाल हुण आखिर दे अंदर अस गल करने आए फातिना बेमा ते दोना जड़े अजाब दिया धमकियां दिती रखने वल्ला अजाब किथे जो इतनिया सदियां फातिना बे माता ए दुना इतनिया सदियां ते गुजर गई ते तू आ दरे है ओ बच वन्यो बच वन्यो अल्लाह दा अजाब आवे सी आया ता कोई नहीं ना तू वजेड़ा लै वणई लै आ क्यों नहीं पिया लै के आ अल्लाह दे पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम
इतना अरसा समझावन दे बाद उन अल्लाह ले पासे पे मुतवज्जे हो के अपनी गल्ला पे करें दे अल्लाह नू रब्बे इन्नी दाऊत कौमी लैला नहारा अल्लाह सैया मैं न दे छोड़े न रात मैं दोहा मकाम दे अंदर दोहा वेलिया दे अंदर इन्हें दावत देंदा रह गया दावत किधर देंदा रहे बोलो बोलो अल्लाह दी पूजा वाल मैं दावत देंदा रहे मगर फलम यज़िदुहुम दुआई इल्ला मैं जू जू इन्हों दावत देंदा रहा इन्हें सदेंदा रहा है तू तू नसदे रहे वाली कुल्लम तुम लिता फिर लहुम जालू असाबे हुम फी आदानिहिम وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اے اللہ سیاں میں جڑے ویلے انہاں نوں دعوت دیندا ہاں لے تغفر لاں تاکہ آویں تیرے کول معافیاں منگن تے تو انہاں نوں معاف کر دیویں اس ویلے کے کریندے آں جعلوا اصحابہم فی آذانہم اس ویلے اپنے کناں دے اندر انگلیاں دے لیندے ہوندے آں تاکہ میری آئے جڑی ہے تبلیغ آیات والی انہاں دے کناں دے اندر کی دائیں نہ جائے وستغ شوسیاں بہو تجھے اجڑ دی آواز آویں لگیا ول کپڑیاں نال کناں نو ولیٹ لیندے آں وا اثر تے اسے کم دے اوتے ڈٹ کے ضد نال رہ پئے وستکبر استکبار تے آکڑ کے رہے تیری بارگاہ دے اندر انہاں سجدہ نہ کیتا انہاں شرک نو نہیں چھوڑیا تے تیرا محبت تے عبادت خان دے نال دل نہیں جڑیا سمع لی داو تو جہا پیغمبر ہوں اللہ نو اپنی ساری محنت کھلا دسیندا کیونکہ اخیر وچ اپنی قوم واسطے جڑی اس کیتی نا بد دعا چا کو او دے واسطے تمہید کھلا بندا اے تمہید کھلا دسیندا کہ اللہ میں محنت گھٹ کوئی نہیں کیتی پر ہن تنگ میں بھی ہو گیا محنت میں بڑی کیتی ثم انی دعوتہم جہارا توحید سنائی رکھی اے اللہ ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا تے نال نال اعلانیاں بھی سنائی رکھے ہے تے ہک ایک نو گھر ونج کے بھی سنائی رکھے ہے میں اپنی قوم دا کوئی بوا نہیں چھوڑیا جڑا کھڑکایا نہ ہوئے صوفی نو الا دیویں اے اللہ انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا اللہ میں اچا بھی سمجھایا ہے میں ہولو بھی سمجھایا ہے مگر انہوں نے میری گل منی کوئی نہیں میں انہوں نے یہ بھی آکھے مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خدککم اطوارا میں انہوں نے آکھے جتنا وقار مخلوق دا اتنا وقار اللہ دا کیوں نے منے حضرت دے نام دا چھترا لے
खड़ी गया है, चोरी हो गया, मर गया, दर्दा वदा उसी जो यार वो जी अल्लाह के जे थोड़ी दोबारा ना ज़बा करा मता मेरा घर सारा तबाह वनी ते जे अल्लाह दे नाम दी मन्नत मन्नी होई बकरा मर वनी खड़ी वनी ते चोरी हो वनी दा खैर सल्ला जितना वकार मखलूक दा मनेंदा है इतना वकार अल्लाह दा नहीं मनेंदा इतना मखलूक को डरदा वदांगला है इतना अल्लाह को नहीं डरदा ए सात कुरान सिर ते रख के कुड़ियां कसम तचा लेंदा है ते जेनु आखो तोहे चोरी नहीं कीती फलाने दरबार दा कुंडा च खोल ते दे सारे मर वेंदे दुनिया को डरदा है इतना रब को ए आज दी नहीं गल ए मैं उदा दी बैठा करना मालकुम ला तरजून लिल्लाह वकार अल्लाह दा वकार क्यों नहीं मने दे हालांकि अल्लाह ने तकद खाला का कम अतवारा अल्लाह ने तानु तौरन बाद तौरन एक हाल को दुई हालत त्री हालत ए शक्ल बन दे तक नौ हालतां बन दियां बच्चे दियां ओ एडा बा कमाल है जे तुहाडी मां दी अनेरी कोठड़ी दे अंदर एक पानी दे कतरे दे उत्ते ऐसियां कलमां चलाईयां कि ऐसी बाशऊर मखलूक पैदा कर दे अलम तरौ कैफ खलकल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका तुसा कदी गौर नहीं कीता जो अल्लाह ने सत आसमान किवें बनाए एक बनाया वल दूजा वल तीजा इतने फासले नाल बनाए धुएं नाल बनाए ते बगैर आसरे ते बगैर थम्मे नाल बनाए जेड़ा मेरा रब धुएं नाल सत आसमान बना सकदा है बगैर आसरे ते खलार सकदा है ओ बगैर हाड़ियां ते वसीलियां दे तुहाडियां दुआवां भी सुन ते कबूल कर सकदा है असमानां नूं खलारण वास्ते तो उन्हूं कहें वसीले दी लोड़ नहीं पई बगैर आमदन तरौना बगैर थम्मियां दे उस च खलारे कि तलु थम्मा है कोई नहीं छोटी जिही छत वी बगैर सहारे दे नहीं खली हुंदी ते ए ओ आसमान है जिहदा किनारा ही नहीं नजर आंदा मदारज बनाए हुए धुएं नाल समान बनाए एडे सफर ते फासले ते नौ करोड़ नूरी साल दी फासले दे उत्ते इक इक समान बनाया असमान फुटबॉल जेड़ा नजर आंदा है साड़ी जमीन नालो 900 गुना वड्डा है ये जेड़ा चन्न इस आसमान च नजर आंदा है साड़ी जमीन नालो हजार ताई तक कदी कदी सूरज दे अगू आवंजे तो सूरज ग्रहण लग वेंदा है चिट्टा दोपहर भी होवे तो काली रात मालूम होण लग वेंदी जो चंद सूरज चंद वड्डा है ते सूरज जमीन नालो 900 गुना वड्डा है तब आसमान केड़ा वड्डा है जेद विच ए वदे अंतर वदे कुल्लन जे एडा वड्डा आसमान बनाया है ते बगैर सहारे दे बनाया है कमलिया तेरियां दुआवां ये तुड़ी वसीले ते हाड़े ते द्रोई ते तो फैला ना दे मैं वो तुड़ी सुन नहीं सकदा वो कमजोर हो गया आसमान बनावण वाले वो कमजोर नहीं अफा अयना बिल खल्क अल्अवल अल्लाह दा हुण अस थक गए भाई अगे असा ए सारे काम कर लें ते हुण तेरियां दुआवां अस नहीं सुन सकदे बादशाह ऐलान करे भाई मेरी तरफो जी सारे नु पांच पांच मरले हो गए ते जेड़े लवण वाले रियायत ओ उठी ते बादशाह नु आखे नहीं जी सानू तड़ ते यकीन कोई नहीं असा पहलू फलाने दा रुका लई आवी बादशाह क्यों बुद्धू जानदा जेले मैं आप पे आना ए मेरे जेड़े पांच मरले ने तेरे हो गए तेनु रुका लैवण दी कड़ी लोड़ है ओ नहीं जी वे तो मैं कहो तुहाडे फलाने महबूब दा सिफारिश रुका लाया ना ईमान दा सुख खलियां दे काबिल है कि नहीं ओ तो बादशाह दे उत्ते शक कीती खलोता ओ के ख्याल है काल रब्बुकुम तुहाडा रब आप पे आता ओ तू नहीं अस्तजिब लकुम तू मैनू सड मैं सुनना भी हाथ कबूल करना तन नहीं जी मैं पहले फलाने की सिफारिश लई आना।
कोई समझ आती पे रब की बेइज्जती है। अल्लाह ताला मा कदर अल्लाह हक कदरी इस अल्लाह की बेकदरी कर दी। ते रसूल आंदे अल्लाह दा कदर सिखावण जै अल्लाह दी इज्जत कीती है अल्लाह नु कदी बेइज्जत नहीं होण देंदा। कतब अल्लाह ला अगले बंदा अना व रसूल। हाँ जी हाँ जी नूह अलैहि सलाम पैदा अलम तरौ कैफ खलक अल्लाह सब समावात तिबाका वजअल अल कमर फीहिन नूरन वजअल अश शम्स सिराजा। देख लो विच चन्न नूर बनायास ते सूरज नु भी चिराग बनायास। वल्लाह जमीन विचों पैदा कीता। मतलब मिट्टी नाल पैदा कीता। बाबे आदम अलैहिस्सलाम नु कड़ी शै नाल बनाया मिट्टी नाल पहला बनाया होया अबुल बशर आदम दा बाप यानी आदमियां दा बाप सारे बनी आदम दा बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनू किड़ी शय नाल बनाया। अल्लाह फरमांदा है मैं मिट्टी नाल इब्तिदा कीती ते वल दोबारा जड़े वेले तैनू मिट्टी कर देवना है वल भी दोबारा तैनू मिट्टी नाल बना। अल्लाह फरमांदा अम्मैं यबदाउल खल्का सुम्मा युईदुहु पहली वेरी भी मैं बनाया ते दूजी वारी क्यामत वाले दिन भी मैं आप बना। अल्लाह फरमांदा है बला कादरीना अला मुख्तलिफ होंदियां हालांकि एक प्यो दी औलाद होए हर दियां अंगलियां दे निशान वखरे वखरे होंदे ने। अल्लाह आता तेरे नक्शे ते मुड़ंगे ते एक पासे रह गए जदा कियामत वाले दिन तैनू मैं दोबारा बनावणा है जिवें दुनिया दे अंदर लकीरां वखरियां वखरियां अल्लाह अनु सवे या बनाना कियामत वाले दिन भी मैं उन्ने वखरियां वखरियां बना ले। अल्लाह दा मेरे को लुकाईशा भुली हुई जिदा तू हाँ है कोई ना दुनिया विच प्यो दी पीठ छाए सुला बेच उसले मैं तेरा नवा नक्शा बना लिया ते हुण तो तेरा शनाख्ती कार्ड ही बने होया पासपोर्ट ही बने होया तेरे नक्शे दुनिया ते आ गए। एक इमारत नवे नक्शे नाल बनावनी औखी होंदी है या नक्शे ते बनी हुई किदू तिड़क वंजे भुर वंजे ते उहनू दुबारा ठीक करना औखा होंदा है। जे नवे नक्शे नाल मैं बना लिया ते तेरियां तिड़कां मैं नहीं ठीक कर सकदा। हुण तो आना अल्लाह हुण तो आना मुर्दे सुनदे पे मुर्दे नहीं सुनदे अल्लाह मुर्दियां नू जीवावणा है जींदियां नू नहीं जीवावणा। अल्लाह दी कुदरत इथां ही जाहिर होंदी है जे हर कोई जींदा पे होंदा ते मुशरकी ने मक्का नू इतराज कोई ना होवे आके ठीक है जले जींदे च पैन ते जींदे ते उठी आवणे ना आखे उहनां नू पता देन मैं योहिल इलाम व हयर अमीन पढ़ सूरत यासीन आदियां ने हड्डियां गल वंडियां ते तू आना दोबारा जिंदा होणा ये तो साड़ी अकल च नहीं आंदी। नबी आखे अकल च तां आवेया ना जे मैं दावा करां दावा तो ओ पे करे अल्लाह मोयां नू जीवावणा अल्लाह दा अलैसा ज़ालिका बेकादिरिन अला अन युहये यल बोलो अल युहये यल मौता मौता हुसैन तदा अल्लाह उन्हां नू जिंदा करे और समझ आई कि नहीं आई सारे नू आई हथ खड़ा करो शाबाश सज्जा जिन्हां नू काई नहीं आई
ठीक है तो मतलब सारे नो आइए छाड़े छाड़े छाड़ियां तो जींदे नहीं सुनते इन दी मोए सुन ले 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 अल्लाह अकबर नूह अलैहि सलाम शिकवा पे कर दिन अल्लाह साईयां मैं इन्हां नूं बड़ा समझाया ये कान वलेट लेंदे आ अंगली दे लेंदे आ नस वेंदे आ मैनूं पत्थर मरेंदे आ ते हुण अखीरी खलोते आ ते जेड़ा कोई लै आवणा ही अज़ाब धमकी आंदे ने बदलाया अल्लाहु अकबर ए अल्लाह मैं इन्हू छड़ेंदरिया मगर इन्हां मकरो मकरन को बारा इन्हां मेरे खिलाफ बड़े मकर कीते बड़िया तदबीरां कीतियां ते नाल नाल जिवें जिवें मैं तौहीद दा ऐलान करेंदा रहा उन्ने उन्ने मेरे मुकाबले दे अंदर ए वी तबलीग करेंदे रहे मैं तौहीद दी तबलीग करेंदा रहा ते ए केड़ी शै दी तबलीग करेंदे रहे ए अपनी कौम नूं आदे रहे कालू ला मैं धरिया सारी दुनिया नु छोड़ दियो ते अपनी इबादत दा रुख अल्लाह वल मोड़ दियो मगर एक बाबे वदनू ना पे छुड़िया है सुआनू ना पे छुड़िया है यगूसनू ना छुड़िया है यूकनू ना छुड़िया है ते नसरनू ना पे छुड़िया है अपने प्यो दादिया ने जेड़े चल दिया दिल हाजत रवा उन्हानू ना पे छुड़िया है ए नू वले सलाम ए ते गल्लाओ करेंगा जेड़िया ना समझा वन वाली आंदिया है अल्लाह अकबर असा सुते नु क्यों जगाइने आ तुसा दसो क्योंकि सुत्ता होया सुनदा असा ने सुने ते जेड़ा साए वणे ओ सुनदा अल्लाह अकबर अल्लाह तंजीम अल सुन्नत जिहड़े वाले साहिब अल्लाह करोड़ अरबा रहमत ये पढ़ के आए पिंडी चू फारे हो के चित्तौड़गढ़ उस वे हिक्का मस्जिद आई अज दिन तक हिक्का मस्जिद असा दूई नहीं बनन दित्ती मसला कीता तां उन्हां आखिया भी ये किवें मसला ये तो साडा फलाना बजुर्ग फलाना फलाना खैर बहरहाल मुड़ साडी जिहड़ी आई ना दादी साहिबा बड़ी पक्की आई ते गुस्से वाली बड़ी आई उस आखिया भाई या तां इहनूं पढ़ाए ना ते जे हुण पढ़ के आया ना ते जिवें कुरान आखसी ए उन्ने सुणेगी खैर वो साडे वाले साहिब ते नाल साडे दादा जान ओ भी अल्हम्दुलिल्लाह वत इन पक्के होए के सुभान अल्लाह वो तसारी मुखालफत हो गई वस्ती च पहाड़ियां ते सोटे ते डंडे ते ओ मुड़े गल सुणाइंदे हुंदे आ पद हुंदे आ गल ए भाई जट मरण लगा जट उस पुत्रा नु आखिया भाई आओ जेड़ा बाहर नहीं अपना ढग्गा मर गया दांत किस दिंदे हो मर गया मेरा कोई पता नहीं मर वन्या ते मेरी मंजी जा के उठा ही लै वन्या उन्हें आख्या बाबे दा अकल भावे खराब होया पिया छेकड़ी टाइम इस ते आदा मैनू उठा ही चाह के लै वन्या सके मैं जी तुहानू आदा पिया मिल लै
ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਜਾਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡੱਗਾ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਈ ਕੇ ਵਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਣਿਓ ਤੂੰ ਥਬੀ ਥਬੀ ਮਰਸੀਨ ਦੀ ਵਾਢਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੋਟ ਜਿਲੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਪਹਿਲੂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਖਸ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦੇ ਪੱਠੇ बस हटा पीछा तू दूवे ना तू देने के होना त्रीए चौथे आखन लगा गल नहीं मैं दसो तुसारे बंद को टेल में लाया कोशिश की इस कोई पठा खाधा पीता ये दांत को खाधा उसके बाबा किदे खावे मोया होया उसके ये गल याद रखे मैं ही मर वजा तो मैं काशा ने खावनी मुलवाने नपे दे व्याह काशा जेले जट सिद्धे होवे ना उन्होंने मौलवी की लोड अल्लाह अकल देवे ते बंदा इस्तेमाल च करे रोला उठा ही मुक वेंदा हाँ जी वला तजरुन वद्दम वला सुआ वला यगूस वयहूक वनसरा वकद अदल्लो कसीरा अल्लाह फरमांदा वल मेरे कोल दुआ करन लग गए अपनी कौम दे खिलाफ रब्बे ला तजर अलल अर्द मिनल काफिरीन दयारा अखीरी तंग हो गए इतने साल सुना जाए अल्लाह इन्ना काफरां विचों एक झुग्गा भी ना छोड़ आखरी रसूल ने कौम लो लुआन कीता ताइफ दे इलाके विच उसले वड्डा शहर ताइफ होंदा आई मक्का तो छोटी जी आबादी आई उसले इबादत च वड्डा बनया जिले गए लोगों सरदारा ने नौजवानों दे जिम्मे लाया के इन्हू पत्थर मारो तक तक के लोलुहान हो गए किस्सा मुख्तसर जिब्रील अलैहि सलाम आ गए ये अल्लाह दे पाक पैगंबर जी अल्लाह ने जेड़ा फरिश्ता पहाड़ों ते मुकरर कीता है वो इंतजार च खड़ा अल्लाह ने मैं तुहाडे कोल भेजिया है अगर तुहानू ये ना को गुस्सा इस कौम ते जिन्हां तुहानू लोलुहान कीता है ते तुसां फरमाओ अल्लाह आखिया मैं फरिश्ते नू आना ताइफ दे इदू इक पहाड़ आई ते इदू ते मैं दो पहाड़ चा के रला के इन्हनु पीस के रख देना अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसले जेड़े बाग च बैठियां ओ भी बनी हाशिम दा चलो खैर ओदी तफसील दवेला नहीं आपने फरमाया जिब्रील नु अल्लाह नु आंख इन्हनु बर्बाद ना करे इन्हनु हिदायत देवे चा ए मेरी कदर कोई नहीं जान दे अल्लाहुम्मा हद कौमी इन्नहुम ला यालम हो सकदा ए नहीं ते इन्हां दी नस्लां ही चू कोई तौहीद दा गवाह पैदा हो असा कई वेखन मुशरिक घर जिन्हां दे विचों कई नौजवान मुवहिद बन गए
تنگ کرنے چ مشرکاں کمی نہیں رکھی توحیدیاں نوں لگے تے نہ پیچھے اللہ نوں پیدا اللہ گھر کوئی نہ چھوڑ اللہ دا ٹھیک جی تہاڈی یہ مرضی ہے تے عرصہ ہی بڑا ہو گیا اساں انہاں نوں ہن لمبا کر دینے ہیں اے ودے سن جویں کھجیاں لڑیاں ودیاں کر دینے ہیں جی اللہ فرماندا ہے دعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء قدر وحملناه على ذات الواح ودسر اے نہیں پوچھے اللہ سائیں ایتھے تے دور دور توں نہ دریا نہ نہر نہ ندی نہ نالا نبی اللہ دے کو سوال جواب نہیں کریں دے جویں اللہ آکھے اونے کریں دے کیڈی سونی تربیت قوم دی کہ جویں اللہ آکھے اونے کیتا کرو پہلو مولویاں کول پوچھن نہ بھج وگے کرو اللہ دا قران جویں آکھے اوتھے کھلو رہے کرو ਇਹ ਮੀਂਹ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁਛਾਏ ਜੀ ਮੜੋ ਤਾਂ ਆਦਾ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਵਣ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵਾਹਬੀ ਜੋ ਆਇਆ ਦੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਆਖੇ ਮੁਰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਭਵੇਂ 300 ਅਸਾਬ ਕਾਫ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵਾਂ ਚਰਵਾਇਆ ਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੀ ਉਚਾਈ ਆਇਆ ਕਹੇ ਖਾਦੀ ਜੇਲੇ ਉੱਠੇ ਅਗਲਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤ੍ਰੈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਦੇ ਬਣ ਵੰਜੋ ਯਾਰ ਕਹ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚ ਕੋਈ ਸੁਥਰਾ ਪਾਕ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ 300 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆ ਦਿਨ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਵਾਲੀਆ ਤਲਤ ਵੰਜੀ ਥਰਾ ਥਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੇ ਕਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਮਝੀ ਖਲੋਤੇ ਆਣ ਵੀ ਕੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 40 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ 40 ਸਲਤਨਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹਨ 3 ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਈ ਖਾਲਸ ਮੁਵਹਿਦ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਉਹ ਡਰੇ ਖਲੋਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸਾਬ ਕਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਟੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸੇ ਮੈਂਦੀ ਲਖ ਲਖ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸਾਬ ਕਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਅੱਗੇ ਛੜੇ ਨਾ ਅੱਗ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਭੜਕਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹੇ ਯਾ ਨਾਰੋ ਕੋਲੀ ਬਰਦਨ ਤਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਜੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਲੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਅਸਾਬ ਕਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਟੋ ਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਟਕਰਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਅਲੈ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਜੰਦਰਾ ਨਾ ਪਿਆ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਖੋਲ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਗਾ ਪਾੜੂ ਨਾਮਾ ਨਾਲ ਤਾਲਿਕ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵ ਇਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਮੂਮਿਨ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭੋ ਲੈ ਵੈਂਦਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗੋ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਆ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਟੱਪ ਵੰਜੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹਟਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੇ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਸੜ ਚ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਨਾਸ਼ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪੇ ਵੈਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡ ਲਈ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਵੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਡ ਮਰੀਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡ ਮਰੀਂਦਾ
सुबह सुबह कोई उधार चमंगे दुकानदार को बंदा गया माह रमजान मजदूर आई यार पाया दही तो देवे जे मैं दिहाड़ी ते बहना ते शामी दे सजा यार तू अजीब आ गया नूर पीरे ले ये दुनिया दे छे फुट का इंसान है काले रंग की कीड़ी काली रात च काले रंग दे पत्थर टुरदी वधीए मैं उहदे टुरण दी आवाज ही सुनना तू क्यों जी बलाएं तू अशरफुल मखलूक है ये कैसा है तेन इतनी समझ ही कोई नहीं कि बख्त किस्मत बनावण वाला कौन है अल्लाह अकबर हुण अल्लाह पाक आके बेड़ी बना बेड़ी बनाओ बेड़ी बनाओ बेड़ी बनाओ जेले बेड़ी बने दी पई आई ते बन दी पई आई थल रेगिस्तान जेले कौम गुजरे ना देखो जी हुण जी यो काम बाकी रह गया आज ये देखो जी इत्थे इत्थे दा मुड्ढू पानी दा चवाका कोई नहीं हैं ते ए इत्थे भाई बेड़ियां पईयां बणदी ते बेड़ी ना आई बेड़ा ओदियां कई मंजिलां हन इंसानां वास्ते वखरी दरिंदियां वास्ते वखरी पालतू जानवरां वास्ते वखरी परिंदियां वास्ते वखरी ओ तां चंगा ओ खुदाई बेड़ा आई ذات الواحل و دسر بڑے بڑے چھتیر درخت کپ کپ کے تے نوح علیہ السلام نے بڑا لمبا چوڑا بیڑا بنایا تے موٹے موٹے دسر ادن لوہے دے کھیل نو کھیل ٹھوک کے تے بڑی مضبوط بنائی انہاں اللہ کیا سونا پریشان نہ اے مذاق کرن دے انہاں اک ویلا اسی انہاں دی وقتیاں دا جواب دساں دساں تو علی چپ کر کے بنائی رکھ بے آئیوں نے نا واہ یہ نا جیویں میں آنکھاں انہیں بنائی ہیں خود جبریل نے آن کے رلے دسیا وہی دے ذریعے اللہ ہی دیتا دتیاں تے تاں بیڑی بنائی کوئی نوح علیہ السلام تیرے کھانا کام کوئی نان کریں دے رہن دے بے آئیوں نے نا واہ یہ نا اللہ آپ دسیندہ رہے جبریل دے ذریعے تے تاں نوح علیہ السلام نے بنائی نوح علیہ السلام تیرے کھانا کوئی نان जिथू अगे अग निकल आई अज इथ पानी निकलिया आसमान नू अल्लाह कहदा अल्लाह दे मूसला धार वस ओ तो वसन लग गया ते तल्लू के होया व फजर नल्लर उयून अल्लाह दे मैं सारी जमीन दा मुंह खोल के चश्मा बना दिता जगह जगह तो फुवारे जगह जगह फजर नल्लर उयून इन्हें चढ़दी आई पानी दी लहर फल तकल इन्हें चढ़दा आया पानी इला अमर कद को जिथू तोड़ी असल उथू तोड़ी पानी नू पहुंचाया हूं बेड़ी तरन लग दे हे याता जी फी मौजें कल जिबाल पहाड़ा जितनी ऊंचियां लहरां ते ओ बेड़ी ते नहीं ओनु परवाह ही कोई ना ओ बेड़ा आई चंगा ओनु उना लहरां नाल मौजां नाल कोई फर्क उका डोली शोली नहीं क्योंकि मखलूक वेडे सारी आई बाकी दी इंसान तो थोड़े जाया जिस वेले नूह अलैहि सलाम दी नजर गई नजर गई नजर गई नजर गई नजर गई नजर गई ते देखया जो मेरा अपना निक्का पुत्र बेड़ी दे अंदर चढ़या उस वेले अल्लाह फरमांदा नादा नूहन
پیغمبر نوح علیہ السلام نے سڈ ماریا سڈ مار کے آ میرا پیارا بچڑا ساڈے رلے چڑیا اللہ دا بیڑا ہے جیڑا اللہ دے بیڑے تے چڑھ گیا او تر گیا تو کافراں دے رلے نہ کھلو ولا تکن مع الکافرین کافراں دے رلے نہ کھلو اگے پیچھے تاں ودا رویندا نا بازے کوئی کوئی ایسا ویلا آ ویندا ہے جداں کہیں مشرک کافر دے رلے کھلو ون نال بندے تے عذاب اگے پیچھے چھوٹا ملدیاں رہ ملدیاں اے ہے فیصلے ددے اج چھوٹ لکھیا ہے او پیادہ میں کیوں ماں اکھے بچ جائے گا کوئی نہیں ضرورت بابا ساوی اگو اللہ دے پاک پیغمبر کے فرما دیا ہے لا آسم الیوم الیوم اگے ودا رہے ہیں تیرے سل میرے الیوم جڑا اج لا دے یو میرے پترا اے فیصلے والا دیوڑی اج کہے مشرک دے نال کھلو رہے ہو اج کہے کافر دے نال کھلو رہے ہو اج انہاں دے نال رگڑیا جائے گا اج فیصلے والا دیوڑی لا آسم الیوم من امر اللہ اج اللہ دے عذاب کولو ہور کوئی بچاون والا لا آسما الا اللہ لا خالقا الا اللہ لا رازقا الا اللہ لا آسما اليوم من امر اللہ اج اللہ دے اس عذاب کولو بچاون والا مگر اونوں سمجھ نہیں آئی اخیر ٹائم ہی سڈ پہ مرے مگر کوئی گلا سوٹے مارنے فلانے اتنے سال تبلیغ سنی فرق نہیں پیا جی ساڈے 900 سال سننے والے فرق نہیں پیا تو ساڈیاں تبلیغ نال نہ پوے تے جی کو گلا کیوں بھائی اللہ دی رحمت خاص اے اللہ دے ایک فضل دا حصہ یوسف علیہ السلام فرمایا اے اللہ دا فضل ذالک من فضل اللہ علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ دی توحید دا سمجھ آونا اے اللہ دا فضل تے اللہ اپنا فضل جی نو دیوے او دی مرضی جی نو نہ دیوے شکی بیوی ہے نا نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام شکیاں بیویاں
मनकू है सारी जिंदगी बिस्तरे बिछाए बच्चे पाले घर च बौकर बुहारी दिती सारे काम घर दे कीते नबियां दे कपड़े धोते नबियां नू रोटियां पकाते खवाईयां मगर नबियां दी दावत नाल खयानत कीती नबियां दी दावत नाल जात नाल नहीं खयानत कीती नबियां दी दावत नाल खयानत कीती ते मोड़ अल्लाह दे अज़ाब च गईयां कि ना गईयां सारे गर्क हो गए अल्लाह दा फहाला बैनहुम अलमौजो गल्लां खलोते होंदियां मेरा नबी शफकत पिदरी दी वजह तो आ थोड़ा परेशान मैं दरमियान च पानी दी लहर जी उठाई ओदा बेड़ा अग्गा च टोरिया ते ओनू उठाई पानी दी दीवार दे विच्चों भी कोई वेख सकदा पानी दे पर्दे विच्चों भी पार मेरा पुत्र बुढ़दा पे कि नहीं वेख सके अल्लाह दा चलो अक्खी सामने बोड़ा तो ज्यादा दुख लगती पहलू विचाले च के कीता फहाला बैना हुमल मौज इस एक पासो बाप आई दूए पासो पुत्र आई विचाले च उठाई पानी दी लहर उस ले अल्लाह दा फकाना मिनल मुगरकीना उन्हों मैं गर्क कर दिता गर्क हो गया टुरदी गई बेड़ी मत वंज के पानी जिस लथा अल्लाह दा या समाओ अकले तू यण वसना खलो रो जमीन नु आके या अरजुब लईमा आके तू जेड़ा पानी कढ़िया ये निगल ते पीवना शुरू कर पानी तल्ले लथा वस्तवत अलल जूदी जूदी पहाड़ दी चोटी ते आण के बेड़ी अटक गई इसले पानी लांदा लांदा तल्ले लथा ते सारे बंदे जेड़े कोई 80 एक बंदा हा जेले लथे तल्ले ते नूह अलैहि सलाम वेख्या ते पुत्र कोई ना आई उसले वत अल्लाह नु सड़ मारे एक वखरा मौजू है वसीले ते सिफारिश एक वखरा मौजू है ते बात ढाई घंटे दी तकरीर मुड़ अगले साल करे सा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।